जिंदगी ऐब का क्या होगा, इल्म सारा मुझे तेरा होगा। भूख रोई कहीं अकेले में, फिर कोई ख्वाब जल रहा। जिंदगी ऐब का क्या होगा, वर्ण और जात की सियासत है, करने को कष्ट फिर हुआ होगा। जिंदगी ऐब का क्या होगा, जख्म सारे तेरे कयामत में, अब खुदा से हिसाब क्या होगा। जिंदगी ऐब का क्या होगा, खते उल्फत जला दिया मैंने, कूचे दीदार में धुआं होगा। जिंदगी ऐब का क्या होगा। और मक्ता का शेर ये है, इसमें थोड़ा बताना जरूरी है क्योंकि शेर बहुत सीधा सा है, लेकिन इसकी इसको क्या सोचते हुए लिखा था वो बता रहा हूँ कि हमारी पिछली जनरेशन हमारे इस जनरेशन को ये बताती है कि हमें रिश्ते निभाने नहीं आते, हम पल भर में रिश्ते बनाते हैं और पल भर में तोड़ लेते हैं। तो जब आप रिश्ते बना रहे थे तब आपने रिश्तों का क्या हासिल किया था, उस पर चार पंक्तियाँ बोलता हूँ कि तुम बिन सबके शहर होने से डरते थे, हम तो दरिया के नहर होने से डरते थे। तुम बिन सबके शहर होने से डरते थे, हम तो दरिया के नहर होने से डरते थे। और व्यापार बने थे रिश्ते नाते प्यार वफा, गहने भी दहेज के जेवर होने से डरते थे। तो उस हवाले से अपनी इस पीढ़ी के रिश्ते बनाने की प्रक्रिया के बारे में अगला शेर मक्ता का शेर कह रहा हूँ कि कृष्ण की राधिका हुई थी क्या, इश्क वैसा मुझे हुआ होगा। जिंदगी ऐब का क्या। थैंक यू।